गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मुन्ना सर फ्रॉम जेडीएस क्विज एकेडमी बसोरिया सीतामढ़ी। ये जो है क्लास वन के लिए है, क्लास वन इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर है आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ, आई मीन लेशन फिफ्थ है, लेशन फाइव है, और ये लेशन जो है नंबर ऑफ नाउंस है आपका। फाइव लेशन जो है नंबर ऑफ नाउंस। एक्चुअली में हम लोगों ने नाउंस को पढ़ा अभी तक, नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउंस के बारे में समझा, नाउंस के बारे में जाना, नाउन के काइंड्स को समझा, और अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना है नाउंस का सिंगुलर नंबर और प्लूरल। कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कैसे प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, हम सारी जानकारी इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं नंबर ऑफ नाउंस। एक्चुअली में नंबर ऑफ नाउंस जो है यह बताता है या डिनोट करता है कि कोई नाउन सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है बॉय और यहां पे लिखा हुआ है बॉयज, तो ये एक नाउन है, आई मीन सिंगुलर नंबर में, और ये एक से अधिक है, आई मीन प्लूरल नंबर में है। तो द नाउन, जो नाउन जो एक से एक को वैसे कह सकते हैं आप कि एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर ओनली वन पर्सन और थिंग्स एनिमल, उसको हम लोग सिंगुलर नंबर में बोलते हैं, इसको हम लोग सिंगुलर नंबर में बोलते हैं। और दूसरा जो है बॉयज, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, जो कि एक से अधिक पर्सन के लिए यूज होता है, वो होता है प्लूरल नंबर। ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। एक्चुअली में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर को हम लोगों को समझना है, इसी को हम लोग नंबर ऑफ नाउंस करते हैं। फिलहाल हम लोग इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं कि हम नाउन नंबर जो होते हैं उसको दो भागों में, दो काइंड्स में बांटा गया है। एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में एक ही नाउन का बोध किया जाता है, आई मीन ओनली वन नाउन, दैट मीन सिंगुलर नंबर, और मोर देन वन अगर एक से अधिक होता है उसे हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, चाहे वो टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, या कुछ भी हो, वो एक से अधिक यदि होगा, मोर देन वन, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर बोला जाए। इतना तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। नंबर जो है तो हम समझ रहे हैं द वर्ड प्लेयर्स मींस मोर देन वन प्लेयर, आई मीन मान लीजिए द वर्ड बॉय एंड बॉयज, बॉय मींस ओनली वन नाउन, बॉय से या वन नाउन को डिनोट हो रहा है, वन नाउन का ही बोध हो रहा है, लेकिन बॉय से क्या हो रहा है, बहुत सारे नाउन यानी बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है। इससे यह पता चलता है कि बॉय जो है वो सिंगुलर नंबर में है, बट बॉयज जो है वो प्लूरल नंबर में है, यानी कि एक ओनली वन को जो डिनोट करता है वह सिंगुलर नंबर है, और जो मोर देन वन को डिनोट करता है वह प्लूरल नंबर है। आई रिपीट अगेन, सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि जो एक किसी एक जानवर, किसी एक स्थान, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु के बारे में बताए वो हो जाएगा, उसके नाम को हम लोग सिंगुलर नंबर में बोलेंगे, और एक से अधिक के बारे में अगर वो बोलेगा, वो लिखा होगा, उस नाम को हम लोग प्लूरल नंबर में बोलेंगे, प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं, एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर ओनली वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग is said to be in singular number, and any noun standing for more than one person, animal, place, things is said to be in the plural number। इसको हम लिख देते हैं, आपको याद करके आना है।
सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर का डिफिनेशन हम आपको लिख दे रहे हैं, जिसको आपको याद कर लेना है। नंबर ऑफ नाउन्स, एक्चुअली में ये जो है नंबर ऑफ नाउन्स को दो भाग में बांट दीजिए, एक होता है सिंगुलर एंड अनदर होता है प्लुरल। सिंगुलर नंबर को आप लिख सकते हैं इसका ये जो है, जैसे हो गया बॉय, उसके बाद हो गया गर्ल, स्कूल, फ्रेंड,